चिल्ड्रन, मैंने आपको टेस्ट योर सेल्फ दिया था एंड आई नो सबने बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना पेपर सॉल्व किया होगा, है ना? अब आप अपना पेपर चेक करेंगे कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की हैं, ओके चिल्ड्रन? एंड देन आपको उसके हिसाब से मार्किंग भी करनी है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन? लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, दिस इज अ प्लांट एंड वी हैव टू लेबल द पार्ट्स। दीज आर लीव्स। वाह, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लीव्स? LEAVES। दिस इज फ्रूट। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्रूट? FRUIT। दिस इज स्टेम। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्टेम? STEM। दीज आर रूट्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रूट्स? ROTS। एस और लगाएंगे चिल्ड्रन हम इसमें। सो हियर वी विल पुट एस। ओके, देन स्पेलिंग ऑफ रूट्स इज ROTS, क्योंकि बहुत सारी रूट्स है ना, दैट्स वाई। ओके, ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम इसको करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वी गेट डैश फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से हमें क्या मिलती है? फ्रेश एयर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्रेश एयर? FRESH, फ्रेश AIR, एयर। वी ईट डैश डैश एंड डैश ऑफ द प्लांट्स। क्या क्या खाते हैं हम? लीव्स, रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लीव्स? LEAVES। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रूट्स? ROTS। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सीड्स? SEEDS, सीड्स। एड डैश टू आर फूड। क्या ऐड करते हैं स्पाइसेस? फ्लेवर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्लेवर? FLAVOUR। गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। गम जो है चिल्ड्रन वो एक ट्री होती है जिसका नाम है अकेशिया। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अकेशिया? ACACIA। ओके, सो गम हमें अकेशिया ट्री से मिलती है। डैश इज अ हर्ब। बेसिल। ओके, BASIL। डैश मेक फूड फॉर द प्लांट। हमें सबको पता है कौन बनाती है प्लांट के लिए फूड? लीव्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लीव्स? LEAVES। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सिक्स यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के हमें सिक्स यूजेस लिखने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सिक्स यूजेस ऑफ प्लांट्स आर, प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स एंड फ्लावर। वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स गिव अस मेडिसिन। प्लांट्स गिव अस ऑयल। प्लांट्स गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, आप अपनी बुक के अंदर से देख करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज योर एग्जाम पेपर। आई होप सबने बहुत अच्छे से किया होगा। अब बिल्कुल ईमानदारी से सब अपनी मार्किंग्स भी करेंगे, फिर हम हमारी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।